सब जांच का विषय आपके सामने बहुत सी चीज़ें, आप इस जिले के सब मीडिया बंधु हैं और खबरें जो जिस इशू को मैंने रेज किया था वो इशू पहले से ही यहाँ पे लोग, यहाँ के पब्लिक, यहाँ के एनजीओ रेज कर रही थी। और आपको देखे होंगे हमारी अरेस्टिंग के बाद से उसी प्रोजेक्ट मैनेजर जिसने मेरे ऊपर FIR कराई थी उसको यहाँ के एक सीनियर ने चिट्ठी लिखी कि तुम्हारी गुणवत्ता जो है गुणवत्ता पर काम नहीं कर रहे हो। 10 तारीख को हमारी गिरफ्तारी हुई, 14 तारीख को एक सीन को चिट्ठी लिखनी पड़ गई। आखिर आवश्यकता क्या पड़ी? इसका मतलब कहीं ना कहीं धांधली, कुछ गड़बड़ी तो चल रही थी। हमने वही बात तो कहा था बुला के, लेकिन उसको स्वरूप दूसरा दिया गया, कुछ लोग अपनी चीज़ों को बचाने के लिए। और कंपनियाँ जो मुनाफा कमा रही होती हैं, जनता का पैसा लूट रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं गलत हथकंडे अख्तियार करती हैं और यहाँ के अधिकारियों को उन्होंने गुमराह किया, अधिकारी उसी में बह गए। मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मैलाफाइड इंटेंशन है, गलत तरीका, वो तो था ही, तरीका ही गलत था। उसके बाद क्या, जो मैं कहा उसमें कुछ गलत निकला? अभी आप देखिए, अगर उस जिस विभाग का काम चल रहा हो उसका एक्शन अगर कह रहा हो कि काम ठीक नहीं चल रहा है, क्वालिटी युक्त काम नहीं चल रहा है, इसका मतलब जो मैं कह रहा, जो मैंने इशू रेज किए थे वो सही थे। तो मैं वही बात उस समय भी कहा था, वही भाई अभी भी कह रहा हूँ। जी जी, PIL कायम हुई है, उसमें कोर्ट में PIL कायम हुई है। और ठीक हमारी अरेस्टिंग के कुछ दिन पहले वही एक्शन दिखा था कि सारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारी गिरफ्तारी जब वो मामला पॉलिटिसाइज हो गया, क्या पॉलिटिकल व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो उसने तुरंत जो है अपने फेस सेविंग करने के लिए उसने लिखा पढ़ी करके उसका यहाँ से ट्रांसफर भी हो गया। देखिए हमारी पार्टी ने दावेदारी की है। देखिए पार्टी को अगर सीट मिलती है, पार्टी किसको लड़ाती है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी तय करेंगे। तो गठबंधन होगा? गठबंधन तो है ही ऑलरेडी, लोकसभा में गठबंधन साथ लड़े, तभी तो मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। गठबंधन में सीट भारतीय जनता पार्टी कोटे में चली गई, मलनी उपचुनाव निषाद पार्टी वहाँ रनर अप रही है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ के प्रेस में भी कहा था, और आगे बात करेंगे, जिसको राष्ट्र पार्टी मिलेगी, पार्टी को सीट छूटती है, पार्टी देखे किसको निर्णय करके लड़ाती है। फेसबुक चलाने का एक मामला आया था आपका, क्या है? देखिए हमारे फेसबुक जो भी चलता है वो हमारे IT सेल के लोग चलाते हैं और उससे हमसे कंफर्मेशन करके चलाते हैं। और ये इशू आया था बीच में, ब्रजेश मिश्रा जी आपके आप ही के उसमें हैं, चैनल के हेड हैं भारत समाचार के, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, तो उस मुहिम का हम लोग भी हिस्सा बने। ये कोई बहुत एक सामान्य तरीके से हम लोग भी, एक अच्छा काम हो रहा तो उसके हिस्सेदारी हम लोगों में, चाहे थोड़ा बहुत हम लोग भी अपनी भूमिका अदा कर सके। और ऐसे कामों के लिए लोगों को आगे आना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग हर बात के लिए सरकार की तरफ मुंह उठा के देखने लगते, सरकार क्या कर रही है, एक नागरिक होने के नाते हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं समाज के प्रति, हमें भी सोचने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।